बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्क्रीन की टीम इस वक्त बहुत ही अहम शख्सियत है, हमारे भाई है इलाके का रहमत भाई। ये पाकिस्तान से बाहर होते हैं, सऊदी अरब में ये तकरीबन 6-7 सालों से वहाँ पे अपने सर्विसेज खिदमत दे रहे थे। तो हालिया ये छुट्टी पे गिलगित पाकिस्तान इसका आना हुआ। गिलगित से ये किसी काम के सिलसिले में पिंडी जा रहे थे, तो रास्ते में इसका कोई ट्रैफिक हादसा हुआ था, तो इस वजह से ये अब मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट में है। तो रहमत भाई, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपसे ज़्यादा मालूमात भी हम नहीं लेंगे, सीधा सीधा दो चार बातें हम आपसे बताना चाहेंगे। तो रहमत भाई, आप कितने अरसे रहे बाहर सऊदी अरब में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कोई 2016 में गया था। ठीक, 2016 में गया था। अभी 6-7 साल का वक्त आपने गुजारा। 6-7 साल उधर बैठा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर अच्छा से मैंने नौकरी कर रहा हूँ, कोई अच्छी सी कंपनी में है। ठीक है, तो रहमत भाई, हमारा आपके पास आने का मेन मकसद यही था कि आपने जो है ना इस इलाके के लिए बहुत अहम खिदमत आपने अंजाम दी है। यहाँ जो बेरोज़गार नौजवान थे उनके लिए आपने वहाँ पे अनथक मेहनत के बाद आपने काफ़ी लोगों को यहाँ से लेके गए हैं बाहर रोज़गार के सिलसिले में। तो आपने कितने बंदों को यहाँ से लेके गए? सिर्फ बुबर से ही, मैं बुबर की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बुबर से मैंने अपना इंसानियत जो था, मैंने जो अल्लाह ने मुझे पैदा किया था, जिस तरीके से अपना अल्लाह के जो है बंदे से जो है खिदमत करने के लिए मुझे एक मौका दिया, तो मैंने इसीलिए मैंने अपना गांव से जैसे अपना सोच किया, मैंने जैसा पहले था आपके साथ जो मसाइल थे। हाँ, बिल्कुल, मैं बहुत गरीब बंदा था, तो उसी वजह से अपना सोच कर मैं वहाँ जाकर 6-7 साल पे बैठा, तो मुझे पता हो गया कि मैं खिदमत दे सकते हो और लोगों के लिए अपने इलाके के। तो इसीलिए मैंने अपना गांव से मैंने 8-9-10 बंदे लेकर। हमने तो यही सुना था, मेरे ख्याल से आपने पूरे गेजर के तकरीबन हर गांव से कोई ना कोई बंदा आप लेके गए, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, मैंने हाथुन से लेकर, हासिस से लेकर, गापूच से लेकर कोई इलाका मैंने नहीं छोड़ा, हर इलाके से 3-3 2-2 बंदे मैंने उठाए। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, तो आपने जब उनको इधर से लेके गए बाहर, तो उनसे कोई पैसा में सभी लिया या ऐसी फिर सभी अल्लाह आपने ये बस अपना अल्लाह हाजिर व नाजिर रख कर अपना अल्लाह के लिए मैंने खिदमत किया, अपना इंसानियत हुकूक का खिदमत किया है। ठीक है, तो वो जो बंदे आप लेके गए थे बाहर, वो ट्रांसपोर्ट किसी कंपनी में है, गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? वहाँ पर बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, हैवी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, हैवी ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पर अच्छे काम करते हैं। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए उनका। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई के दौर में बहुत बड़ी रकम वाले खुश है, दुआ देते हैं हमारे लिए। इसी दुआ के मुताबिक मैंने यही काम सिलसिला, मेरे हाथ से यही आता था, तो एक दूसरे को खिदमत करने के। बहुत अच्छी बात है भाईजान। मेरे दोस्तों, दुनिया में आज भी अच्छे इंसानों की कमी नहीं है, मुस्बित सोच रखने वाले, मुस्बित इकदाम करने वाले, पसे पर्दा इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से हर बंदा माशरे के लिए काम करे, तो माशरा बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की कर सकता है। मेरे भी एक अरस है बाकी लोगों को, अमेरिका में है, कुवैत में, जिधर भी है, तो अपना इलाके के लिए सोचना है हर बंदा। सही बात है। मैंने अभी उनको लेकर गया, अभी उन्होंने दूसरा अपना रिश्ता ले सिस्टम पैदा हो तो गया, इसीलिए मुल्क को पैसा आ जाएगा, मुल्क गरीब नहीं होगा, एक दूसरे को जो है देखकर काम करेगा और मजे करेंगे। पैसा अगर कि गांव में आ गया तो सब कुछ गुरबत दूर हो जाएगा। हम बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो रहमत भाई, दूसरा आपसे एक सवाल, हम प्रोग्राम को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन एक आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही, कि एक सवाल और पैदा हो रहा है। अगर कोई बंदा हैवी लाइसेंस हो, प्रोफेशनल ड्राइवर है, अगर वो बाहर जाना चाहता है, बाहर वो मतलब जो ना ड्यूटी के सिलसिले में अगर आपसे रबीता करे, तो आप उसके साथ ताउन कर सकते हैं इंशाल्लाह? बंदा अगर बाहर सऊदी अरब में जॉब करना चाहता है, ड्राइविंग हैवी लाइसेंस जिसके पास से अगर जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रबीता कर सकते हैं, इस भाई के साथ डायरेक्ट रबीता कर सकते हैं। आप सबने देखा है भाई के जज्बात हैं, भाई के तस्वूरात, इसकी मुस्बित सोच, इलाके के लिए मुस्बित इकदाम। ऐसे लोगों को अगर
हम सोशल मीडिया में, ये बंदा अपनी ज़िम्मेदारी से अगर इस किस्म के इकदाम उठा रहे, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें। इस किस्म के और भी लोग होंगे जो पस पर्दा इलाके के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझते हैं या उनको हम जो है ना सोशल मीडिया में उनको आगे ले कर आना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के नेक काम करने वाले पस पर्दा ही रह जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी पाक स्क्रीन टीम की कि इस किस्म के जो माशरे के लिए मुस्बित इकदाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम हर हाल में मिलेंगे और उनके तस्वुरात और उनकी मुस्बित फ़िक्र को माशरे तक हम इंशाल्लाह पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया।